नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बदायूं गैंगरेप मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए इस संबंध में एडीजी से रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अगर स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगाना पड़े तो उन्हें लगाकर जल्द घटना की जाँच की जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, घटना के लिए जरूरत अनुसार फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाए जाने की भी स्वीकृति दी। वहीं उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने बदायूं की घटना का संज्ञान लिया है, इस संबंध में एडीजी से रिपोर्ट मांगी है। निर्देश दिए गए हैं कि अगर एसटीएफ को भी लगाना पड़े तो उन्हें लगाकर जल्द घटना की जांच की जाए और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। गौरतलब है कि उघैती थाना इलाके में एक गांव में महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि यहां एक मंदिर में महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ गैंगरेप किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई जिससे अंदरूनी पार्ट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा शरीर पर कई जगह घाव के निशान हैं और कई हड्डियों को तोड़ा गया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मंदिर के महंत समेत तीन लोगों पर गैंगरेप के बाद हत्या का केस दर्ज किया है। अब तक दो आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, हालांकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। मामले में एसएसपी ने कार्रवाई कर लापरवाह थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। फरार आरोपी की तलाश में चार टीमें लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक महिला 3 जनवरी को शाम 6 बजे पूजा के लिए गई थी। जब 2-3 घंटे बाद वापस नहीं लौटी तो परिवार वाले थाने गए, लेकिन उन्हें पुलिस ने रात 11 बजे तक अटेंड नहीं किया। परिवार का कहना है कि आरोपियों ने दरवाजे की कुंडी खटखटा के डेड बॉडी फेंकी और भाग गए। परिवार का यह भी आरोप है कि पुलिस ने सुबह मामले को देखने की बात कही थी। इस वारदात के बाद से विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।